नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और बिहार के जमुई से आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से इस वक्त चुनावी जो प्रचार है वो अपने जोर पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं अलग अलग जगहों पर। उन्होंने अनुच्छेद 370 से लेकर गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के शहीदों की शहादत का जिक्र किया, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने खुलकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला भी बोला। बिहार के भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। 85 लाख परिवारों को अब तक हम लोगों ने सेवा की है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग। बिहार का चुनावी रण अब महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। बिहार की गद्दी पाने के लिए सियासत के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। 28 अक्टूबर को बिहार के पहले चरण की 71 सीटों पर वोटिंग है। मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। ऐसे में तेजस्वी यादव अपार भीड़ जुटा रहे हैं, तो उनके साथ साथ अब राहुल गांधी भी आ गए हैं। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे। लेकिन एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार को ताकत का टॉनिक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार चुनाव में शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। बिहार को लूट कर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी है, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करने उतरे तो सासाराम से लेकर गया और गया से भागलपुर तक गरजते चले गए। बिहार के चुनावी रण में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ई धान के कटोरा कहल जाए। मोदी ने बिहार में अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत सासाराम से की। यहाँ उनके साथ मंच पर जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि बिहार में बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जहां गया, जो मिजाज मैं देख रहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी। साथियों, इसके बाद पीएम मोदी सीधे मुद्दे पर आ गए और सीधा विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आस पास भी नहीं फटकने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का ये संबोधन आज समाप्त हो चुका है सासाराम से। यहाँ पर जमकर आरजेडी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार की तारीफ में ये तक कह गए कि मुझे ज्यादा काम करने का मौका उनके साथ मिला नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं, पहली ही रैली में वो पूरे एक्शन में आ गए। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके देले। पुलवामा हमले में भी
बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावताने। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। सासाराम में प्रचार की धार दिखाकर मोदी गया पहुंच गए। पीएम मोदी अपनी दूसरी रैली में और भी धुआंधार बोले। 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, उनकी राजनीति गरीबी अभाव शोषण के खाद पानी से ही फलती फूलती रही का राशन। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में तीसरा पड़ाव भागलपुर था। यहाँ मोदी ने एनडीए की जीत की हुंकार भरी और एनडीए पर निशाना साधने वाले लोगों को राष्ट्र हित में किए गए फैसलों का विरोधी बताया। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं, वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। एनडीए सरकार जिंदाबाद। अब मोदी बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 28 अक्टूबर को रैली करेंगे और कुल मिलाकर बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ मंच पर उनके साथ नीतीश कुमार भी थे और नीतीश कुमार ने अपने भाषण में सिर्फ अपने कामों का जिक्र किया। अब आपको लिए चलते हैं उस मंच पर जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे। राहुल गांधी जमकर प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर पीएम पर हमला कर रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार, उनके कामकाज और नौकरियों पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी से टकराने के लिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक साथ मोर्चा संभाला और नवादा में तेजस्वी गरजे तो सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बा रहे हैं, डबल इंजन के सरकार बा, दिल पे हाथ रख के बोला जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला, कितना लेता है, बिना घूस के कोई काम नहीं, घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, आप लोग बताओ। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए, तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया, जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। 18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को बांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा।
साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बने घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मड़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? बिहार के चुनाव में तेजस्वी सरकारी नौकरी की बोली लगा रहे हैं। हालांकि एनडीए ने भी तेजस्वी की 10 लाख नौकरी के जवाब में 19 लाख रोजगार का वादा कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बताओ हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको लंबा राजनीति करना है, हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति 15 साल में हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं दिया किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। तेजस्वी बिहार को लेकर पीएम मोदी पर गरजे तो राहुल गांधी ने गलवान, चीन और नौकरियों को लेकर निशाना साधा। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में डबल इंजन की सरकार को साध रहे हैं और सत्ता की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी का महागठबंधन पूरी ताकत से डबल इंजन को फेल करने में जुट गया है। रोहित सिंह, नवादा, आज तक। इसी के साथ बिहार के जमुई से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।